الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم वहफ करु ज़ुर्गा मोहतरम है दुआ खुदा से खूशसी करम करे है दुआ खुदा से खूसी करम करे दे जुबा पर वो बात जो दिल पर असर करे है दीन की सारी ही बातें सलाम काबिल क़दर है दीन की सारी ही बातें सलाम काबिल कदर हम जो बातें भी सुने उसकी कदर करें आज की इस मजलिस में नमाज के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है राँधेर मशहूर बस्ती है गुजरात में वहाँ दो कदीम दीनी इदारे हैं एक का नाम है दारुल मशरफिया और दूसरे का नाम है जामिया हुसैनिया जामिया हुसैनिया में एक उस्ताद ने पढ़ाया है जिनका इसमें ग्रामी है हज़रत मौलाना शमसुद्दीन अफ़ानी रमत वो फरमाया करते थे जिसका मफहूम यह है कि गुजराती तलबा जो आलिम बनने आते हैं तो उनकी ज़्यादातर दिलचस्पी फ़िख़ में होती है जितने भी ूम पढ़ाए जाते हैं तो ज़्यादातर दिलचस्पी ये फ़िख़ के अंदर होती है तो मेरा मामला भी वैसा ही है मैं कोई बयान नहीं करूँगा इन शाला कुछ मसाइल जो मेरी और आपकी हम सब की ज़रूरत है वो डिस्कस करेंगे मुजाकर करेंगे और वैसे मेरा मामूल भी यही है कि ज़्यादातर मेरा मौजू ये फ़िक ही रहता है फ़ि एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हम सब को रोज़ाना पड़ती है मालूम है तो जाने हुए पर अमल करते हैं नहीं है तो पूछना पड़ता है इसीलिए हमारे एक उस्ताद फरमाते थे मफहम यह है कि तुम्हें हो सकता है ज़िंदगी में कभी तकरीर करने की नौबत ना आए तदरीसी ख़िदमत तुम ना करो लेकिन ये तो ज़रूर होगा कि तुमसे कभी न कभी कोई न कोई मसला ज़रूर पूछेगा कि भाई आलिम है तो इनसे जो है वो मसला पूछ लिया जाए मैंने जो आयत करीमा तिलावत की तो उसके मुतालिक मुतालिकम इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहिब नवर अल्लाहु मरकदहु ये फरमाते थे कि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ने ये बयान फरमाया कि वह अनजलना ना इलेक् जिक्र हमने नाजिल किया आपकी तरफ जिक्र को जिक्र का माना यहाँ पर कुरान करीम है जैसे एक आयत करीमा आप बारहा सुनते रहते हैं और ख़ास तौर से जब कोई तालब कुरान करीम की तकमील कर रहा हो यानी हाफिज हो रहा हो तो उस वक्त अगर बयान की मजलिस होती है तो एक आयत करीमा पढ़ी जाती है इन्ना नहनु नज़ल जिक्र व इन्ना लहू लहा यहाँ भी ज़िक्र से क़ुरान करीम मुराद है तो ठीक इसी तरह इस आयत करीमा में कि व अनज़ल ना ज़िक्र इससे कुरान करीम मुराद है तो इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहिब नवर नवरल्ला मरकद फरमाते थे जिसका मफहम यह है कि क़ुरान करीम दीन की वो असल है जिससे शरीयत बनती है जिससे शरीयत बनती है और आगे फरमाया फरमायातुबई नासी मानु जिला कि इसमें हदीसे पाक मुराद है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फ़रमाया गया कि अब आप दीन के मसाइल को दीन की बातों को खोल खोल कर बयान करें तो कुरान करीम से शरीयत बनती है और हदीस पाक से शरीयत खुलती है और एक से बनती है और हदीस पाक से खुलती है और हज़रत आगे फरमाते थे कि वलाुम यून इससे फ़िक्र मुराद है कि पहली जो दो बातें बयान की कि क़ुरान करीम के अंदर गौर व ख़ौ करो हदीस पाक के अंदर जो है गौर व खौस करो वलाुम यून यहाँ यही फरमाया कि इन दोनों के अंदर तुम गौर व फिक्र करोगे तो गोया समंदर की में जाओगे तो क्या निकाल कर लाओगे हीरे, जवाहिरात, मोती ये निकाल कर लाओगे तो दीन की बातें और नए मसाइल जो पेश आएंगे ज़माने के अतबार से तो इसके अंदर हम गोता लगाएंगे जानने वाले फका हजरत, तो इन नए नए हीरे, जवाहिरात और मोती ये निकालते रहेंगे और उनके हाथ जो हैं वो लगते रहेंगे तो यहाँ फ़िक्र मुराद है तो हज़रत फरमाते थे कि कुरान करीम से शरीयत बनती है और हदीसे पाक से खुलती है और फिकह से फैलती है फिकह से क्या होती है शरीयत जो है वो फैलती है बहरहाल तो फिकह की ज़रूरत बड़े बड़ों को पेश आती है मसाइल की ज़रूरत बड़े बड़ों को जो है वो पेश आती है मैं उसकी दो मिसाल आपकी ख़िदमत में पेश करूं। हजरत जी सालिस जिनका लकब है यानी हजरत मौलाना इनाम हसन साहिब रहमतुल्लाही लल तो मरकज पर एक निकाह हो रहा था दिल्ली मरकज पर अब हजरत से कहा गया कि भाई इस बच्चे का जो है वो निकाह पढ़ाना है हजरत ने उसको देखा तो अंदाजा ये हुआ कि ये नाबालिग मालूम होता है निकाह जिसका होने जा रहा था वो शक्लो सूरज से यूं महसूस हुआ कि ये तो कोई नाबालिग है और उलमा हजरात जानते हैं कि निकाह के मसाइल नाबालिग के अलग है और बालिग के अलग है तो हजरत को शुभा तो हो गया तो हजरत ने पूछा कि भाई तेरी उम्र कितनी है तो कहने लगा कि मेरी उम्र चौदह साल है अब चौदह साल में भी कभी लड़का बालिक हो जाता है अगर सेहत अच्छी हो लेकिन उसको देखकर हज़रत को अंदाजा हुआ कि अभी ये बालिग हुआ नहीं है तो दिल्ली मरकज़ पे ही निकाह हो रहा था निजामुद्दीन पर हज़रत मौलाना उबैदुल्ल सा साहिब बलियावी इल्मी एतबार से इनका एक बड़ा मकाम था दावत व तबलीग के अकाबिर में तो वो भी मजलिस में मौजूद थे तो हज़रत मौलाना इनाबुल हसन साहिब रहमत ला ने निका नहीं पढ़ाया रुक गए उसको देख कर उसकी उम्र को पूछ कर और हज़रत मौलाना उबैदल साहिब बलियावी रम्आल से हज़रत ने सवाल किया कि मौलाना मसला क्या है वो ज़रा आप उसकी वजाहत करो और बताओ अल्लाह अकबर आप दूसरे पहलू पर सोचें मैं सोचता हूँ कि जिनको हजरत जी सालिस का लकब दिया गया और जगह है मरकज निज़ामुद्दीन जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद होंगे और हजरत का एक शोहरा था एक इज्जत थी एक मकाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया था ऐसे मौके पर भरी मजलिस में एक बड़ा आदमी किसी से ये पूछ ले कि हजरत आप बताइए मसले की वजाहत करें कि मसला क्या है बड़े दिल गुर्दे का काम है वरना हर आलिम यह काम नहीं कर सकता हाँ। चूंकि मैं उसी जमात से ताल्लुक रखता हूँ मुझे मालूम है हमारी बिरादरी कैसी है हाँ। हमारी बिरादरी पूछने में एक मौलवी दूसरे मौलवी को बहुत कम पूछेगा और मतकद भी बहुत कम होगा हाँ वो इकबाल का तो शहर है कि आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को पै करे अमल बनकर गैब की सदा बन जा पै करे अमल बनकर गैब की सदा बन जाए तो मैंने उस पर तजमीन की है कि मौलवी नहीं सुनता मौलवी की बातों इल्ला माशाल्लाह हर जगह लगता है हाँ कुछ होते हैं ऐसे मुखलिस के जो सुनते भी है पूछते भी है इकराम भी करते हैं ऐसे भी होते हैं लेकिन आप देख लीजिए मसला मालूम भी नहीं होगा

अब जो है वो डरता है कि यार इस तरीके से कहा तो ये तो मेरी इज्जत का सवाल है अब इसमें कोताही दोनों तरफ से है जैसी रूह ये आप कह रहे हैं, हैं? तो मैंने तो नहीं कहा तो बहरहाल वैसा जो है वो मामला है अब जानते हैं भाई दोनों तरफ से कोताही है अल्लाह अकबर है कुरान क्या कह रहा है नबी की तालीम देख नबी से सवाल पूछा गया तो नबी ने यह फरमा दिया कि ठीक है मैं आपको बता दूंगा लेकिन इनशा नहीं कहा तो सुर कहफ में आए थे वला तकुलन इन्नी रालिक गदा इल्ला की गई कि आपने इन क्यों नहीं कहा लेकिन हुजूर ने यहां पर भी ये कि भाई जो भी दिमाग में आया कह दिया ऐसा नहीं बल्कि फरमाया कि मुझे नहीं मालूम अल्लाह की तरफ से मुझे नहीं बताया गया मुझ पर अभी वही नहीं आई है इसका जवाब मुझे मालूम नहीं है तो ये तो सईदुलंबिया है अवलीन और आखरीन का इल्म जो है वो हजरत को दिया गया लेकिन उसके बावजूद जो चीज जैसी ये बता दिया बल्कि एक गैर मजहब का आदमी आया हुजूर के पास और उसने आकर मुसलमान नहीं है मोमिन नहीं है उसने आकर जो है आप वसल्लम से सवाल किया कि भाई दुनिया में सबसे बेहतर जगह कौन सी है दुनिया में सबसे अफजल जगह कौन सी है तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम नहीं मालूम था बता दिया तो भाई नबी ने मुझे और आपको तालीम दी उलमा को तालीम दी मुफ्तिया ने किराम को तालीम दी बाज मसाइल ऐसे होते हैं कि वक्त पर इस्तेजार नहीं होता या बाज मरतबा नए मसाइल होते हैं तो गौर व करने की जो है वो जरूरत पड़ती है और मैं तो कहां करता हूं अपने यहां के भाई अपना मामला तो हजरत थानवी जैसा है हकीम हजरत अशरफ अली साहिब थानवी फरमाते थे मफूम यह है कि पूछो जो पूछना है कहते थे लोगों से पूछो जो पूछना है और आगे हजरत फरमाते थे इसमें मैं अपने इल्म की शेखी नहीं बगा रहा कि मुझे सब मालूम है मुझे सब आता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो पूछना है वो पूछो फरमाया कि इसलिए कहता हूं कि हो सकता है आपकी कोई जरूरत हो मुझे आता हो आप पूछे तो आपका काम बन जाए इसलिए मैं कहता हूं कि मुझसे तुम पूछो और फिर हजरत आगे फरमाते थे कि तुमने जो कुछ मुझसे पूछा मुझे पता होगा तो बता दूंगा और अगर नहीं पता होगा तो जिनको पता है उनका पता बता दूंगा है अल्लाह अकबर कितना प्यारा जुमला है, है? के पूछो जो पूछना है मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा और मुझे पता नहीं होगा तो जिनको पता है उनका पता बता दूंगा तो उसने आकर पूछा के कौन सी हुजूर ने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम जिबरील अमीन तशरीफ लाया वक्त पर जो आना था उनको उस वक्त तो हुजूर ने उनकी खिदमत में ये सवाल रखा कि जिबरील अमीन मुझसे ये सवाल किया गया क्या है क्या जवाब है तो जिबील अमीन ने जवाब में फरमाया कि हजरत मुझे भी नहीं मालूम हाँ वो कह रहे मुझे भी नहीं मालूम मैं अल्लाह ताला से पूछ के बताऊंगा फिर हदीस पाक में आता है मफहम यह कि जिबील अमीन ने फरमाया कि आज अल्लाह ताला से मुझे इतना कुर्ब नसीब हुआ नसीब हुआ कुर्बत नसीब हुई कि ये सवाल का जवाब में मालूम करने गया उससे पहले कभी भी इतनी कुर्बत नसीब नहीं हुई थी आज मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान सिर्फ सत्तर हजार नूरानी पर्दे हायल थे है नूरानी भाई कितने हायल थे सत्तर हजार नूरानी पर्दे ये हायल थे तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब में दो बातें बताई ये भी बता दिया कि सबसे अफजल जगह रुए जमीन पर कौन सी है और ये भी बताया कि सबसे बदतरीन जगह कौन सी है यहाँ रुक कर एक बात समझो ओल्मा ने इस हदीस की रोशनी में लिखा है कि साइल अगर हमसे सवाल करने आए जानने वाले से तो कभी वो सवाल सिर्फ एक बात का करता है लेकिन जिससे पूछा गया आलिम दीन है या मुफ्ती साहिब है उनको ये अंदाजा हो कि इसने पूछी मुझसे एक बात है लेकिन मुझे जवाब में दूसरा पहलू भी बता देना चाहिए देखिए बात के दो पहलू होते एक मुस्बत और एक मनफी एक पॉजिटिव होता है और एक हाँ और आजकल तो ये दोनों नाम से लोग बहुत डरते हैं। तो बहरहाल क्या है कि दोनों पहलू बाज मरतबा बता देना चाहिए तो ये इस हदीस से पता चला तो अल्लाह ताला ने फरमाया मफहम यह है कि रुए जमीन पर सबसे बेहतर जगह अल्लाह के घर है मसाजिद है जितनी भी मस्जिद वो सब बेहतरीन है इसीलिए जन्नत में तमाम मसाजिद जो जगह है वो कहां उठा ली जाएगी हाँ जन्नत के अंदर पहुंचाया जाएगा और दूसरा जवाब दिया कि सबसे बदतरीन जगह रुए जमीन पर बाजार है मार्केट है क्यों इसलिए कि वहाँ पर आम तौर पे झूठ बोला जाता है धोखा दही जो है वो की जाती है तो इसलिए फरमाया कि भाई ये ऐसी जगह है जो सबसे बदतरीन जो है वो जगह है लेकिन याद रखे अब आप कहीं मुझे देख ले मार्केट में तो आपको आज का बयान याद आ जाए हैं हाँ कहीं रिटली मार्केट में मुझे देख लिया या फिर वो क्या बना है वेस्टफील्ड में आपने देख लिया कि वो मोहस वेस्टफील्ड में हो काम है और कि उस दिन बयान में ये कह रहे थे कि सबसे बदतरीन जगह है और खुद जो है घूम रहे हैं तो इसलिए उसकी भी भाई वजाहत कर दू हाँ ये मैंने कहा ना हर चीज में मुस्बत मनफी दोनों पहलू है आदमी की जरूरत है जाना पड़ता है ये तो कुफ़ार मक्का का एतराज था हुजूर पर कि ये कैसा नबी है कि जो नबूत का दावा करता है ये कैसा रसूल है जो रिसालत का दावा करता है लेकिन ये तो दो काम जो हम करते हैं वो ये भी करता है तो वो दाम दो काम उन्होंने क्या है? कि हम भी खाना खाते हैं ये भी खाता है हम भी बाजार जाते हैं ये भी जाता है तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया वसल इल्ला યા કુલું તામ વયમ શું ન કે એક કાયદા બતા દિયા દે કલ્લી ગોયા કે कि तुम इस नबी की बात करते हो इस रसूल की बात करते हो मोहम्मद अरबी की कि ये खाना भी खाता है बाजार में भी जाता है ज़रूरत पड़ने पर हमने मोहम्मद अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अम्बिया भेजे तमाम के तमाम खाते पीते भी थे और बाजार भी जाते थे तो इसलिए भाई बाजार जाया जा सकता है समझ आए ना हाँ ज़रूरत की वजह से और एक मशहूर साहबी है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अदी अल्लाह तला उनके हालात में लिखा है मफहूम यह है हजरत को बाजार में कोई काम नहीं होता था लेकिन फिर भी बाजार जाते थे तो किसी ने पूछा कि हजरत हम देखते हैं आपको कि आप बाजार में आते हैं किसी शॉप पे से कोई चीज आप खरीदते नहीं है आपके हाथ में कोई चीज होती नहीं है आप वैसे ही जो है वो चले जाते हैं तो क्या वजह है आप क्यों आते हैं देखे अपडा ज्यो नहीं हो આપણે હો જાય તો કે ચાલની નહીં એમ ટાઈમ પાસ થાય ને કંઈ સસ્તું ઓફરમાં મુકાય હોય તો લઈ ને અમુક તો આપણા લોકોની આદત કે હન્ના જ જાય હું કહું તે કે હેલો બિચારો આવલો છે એમ કે કે હવે સેટરડે સન્ડે માર્કેટ લાગે હવે પાંચ દાડા કાં આવવાનો તો કે બધું સસ્તામાં વેચી કાઢે હે તો અપને તો જો હે વો જાતે ઓર ફિર અધી કિંમત મે માંગતે હે કે દેવાનો ઈ તો દે હે નહી તો આ જોઈતું બી કોને છે હે તો બહાર હાલ મિલા તો માલે ગનીમત મત तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तला ने जवाब में फरमाया नेकी की हिर्स देखे इन हजरात की फरमाया मफूमये मैं इसलिए जाता हूं कि वहां कोई मोमिन मिलेगा नीयत ये होती है उसे सलाम करूंगा और सलाम करूंगा तो मेरी नेकियों में क्या होगा इजाफा होगा मेरी नेकियाँ जो है वो बढ़ेगी तो मेरा वहां जाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई ईमान वाला भाई मिले तो क्या करे जो है मैं सलाम करूँ खैर बहरहाल आपको ये बताना था कि मार्केट में भी जाया जा सकता है और भी कुछ रिवायतें हैं लेकिन अभी मैं उसको नहीं छेड़ता तो मुझे सिर्फ आपको बताना ये था इसके अंदर के हुजूर से सवाल किया गया तो हुजूर ने फरमाया नहीं मालूम जिब्रील अमीन से सवाल किया गया फरमाया नहीं मालूम अल्लाह ताला की खिदमत में सवाल रखा गया वहाँ से एक के बजाय दो तो भाई मुफ्ती साहब भी ये कर सकते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री के तर्ज पर एक सवाल पूछा है लेकिन एक सवाल जवाब समेत मुफ्त भी साहिल को दिया जा सकता है इसलिए आप कभी किसी आलिम से पूछो आपको दो जवाब दे वो तो आप सोचना मत कि यार आ तो वो डोड़ डायो एक पूछे ने बे जवाब आप है? तो भाई डोड़ आयो नहीं उसने हो सकता है तेरी जरूरत सामने रखकर और इस हदीस पाक के मफहूम और मजमून को सामने रखकर जो है वो तुम्हें क्या दिया हो वो जवाब दिया हो खैर मुझे बताना ये था कि फ़िकह की जरूरत सबको जो है वो पड़ती है बड़े बड़े को जो है वो पड़ती है, है, है तो मौलाना उबेदुल्ला साहिब बलियाई रहमतल आलि से हजरत जी मौलाना इनाम हसन साहिब रहमतल्ला ने सब के सामने बड़ी मजलिस में सवाल किया कि मौलाना आप बताइए कि भाई इसका जवाब जो है वो क्या है इसलिए हर आलिम को और जानने वाले को भी चाहिए न मालूम हो तो वो कह दे कि मुझे मालूम नहीं है और किताबों में फरमाया गया मफहूम यह है कि ला आलम कहना यह भी बहुत बड़ा इल्म है कि मैं नहीं जानता हूं यह कहना भी बहुत बड़ा इल्म है अब बाज लोग क्या करते हैं नहीं जानते हैं तो यूं कहते हैं कि हमारा जरा अख्तिलाफ है, है? इसमें क्या है जरा इनकी इख्तिलाफ है तो इस पर गौर खोज करना पड़ेगा गौर गौरव फिक्र करनी पड़ेगी फिर आपको जाकर हम बताएंगे खैर बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो बात जैसी हो बता दे नहीं मालूम नहीं मालूम तो मौना साहिब अलैहि ने मसला बताया हजरत जी को कि हजरत इसका निकाह नहीं हो सकता यह अगर कबूल करेगा इसका निकाह नहीं हो सकता ना बालिग है तो उसके रिश्तेदार है कि नहीं उसके वली है कि नहीं तो उसके वली को जो है वो पूछे नाबालिग अगर निकाह करे तो हमारी शरीयत में वली को इख्तियार होता है कि उसके निकाह को क्या कर दे खत्म कर दे ये मसला है नाबालिग अगर खुद से निकाह कर ले और वाली उसको मंजूर रखता है तो हो जाता है याद रखियो दोनों पहलू है कि वाली अगर नाबालिग के निकाह को मंजूर रखता है कि ठीक है उसने जिससे निकाह किया है वो सही है दुरुस्त है तो निकाह रहेगा लेकिन अगर वाली ये समझता है कि इसने जहां निकाह किया है चाहे वो लड़का हो या लड़की दोनों नाबालिग है और नाबालिगी में वो निकाह कर लेते हैं तो शरीयत ने वली को ये इजाजत दी है कि वो उस निकाह को क्या कर सकता है खत्म जो है वो कर सकता है क्यों देखिए शरीयत ने इसीलिए लड़का हो या लड़की जब तक बालिग ना हो शरीयत का कोई हुक्म उस पर फर्ज और वाजिब नहीं होता क्यों नहीं होता इसलिए शरीयत ये कहती है ये बताना चाहती है कि जो नाबालिग है उसकी अक्ल अभी पुख्ता नहीं हुई है उसकी अक्ल में पुख्तगी नहीं आई है तो इस वजह से जब तक एक माने में वैसे तो अपने यहां क्या कहते हैं अकबर भाई अक्कल क्या हैं बोलो नहीं यार होगी कमारी है तो जो है वो चालीस साल के बाद कहते हैं कि अक्कल दड़ आती है बोलते हैं ना आ, और दर्द भी बहुत करती है तो चालीस साल के बाद अकल की दड़ क्या है वो आती है इसीलिए नबियों को आम तौर पर नबूबत कब दी जाती यही वो राज है चालीस साल में जाके खोपड़ी क्या हो जाती उसमें ठहराव आ जाता है वरना पंद्रह से पच्चीस तो इसी में जाते है, है? और 25 के बाद 40 जरा जोश कम पड़ता है 15 से 25 तो फौरन न 25 से चालीस देखिए पच्चीम बताई देगा हाँ। लेकिन 40 के बाद अखल में क्या आ जाता है ठहराव आ जाता है इसीलिए अल्लाह ताला ने आम तौर पे मैं कह रहा हूँ हजरत ईसा सलात वो सलाम को तो नबूवत जल्दी मिल गई बाकी आम कायदा यह है कि 40 साल के अंदर अखल क्या हो जाती है पुख्ता जो है वो हो जाती है लेकिन एक माने में कि कुछ ना कुछ उसे सही बुरे की गलत की और अच्छे की पहचान कब होती है जब वो बालिग हो जाता है और दूसरे कुआ भी कमजोर होते हैं बदन भी बच्चे का लड़का हो या लड़की शरीयत उसे कमजोर तस्वूर करती है और जब वो बालिग हो जाता है तो उसके अंदर भी क्या आ जाता है एक माने में जो है वो ताकत आ जाती है तो बहरहाल इसलिए इसके निकाह का ये मसला है चले आपको और भी मिसालें देनी थी लेकिन बात को समेटते हैं आज मुझे मसला बयान करना था नमाज का वो ये कि आपकी ही मस्जिद में एक साहिब नमाज पढ़ते हैं कुछ महीने पहले उनका मुझ पर फ़ोन आया था कि मल साहब आप जो हैं मसबूक के मसाइल बयान करें तो मैंने अपने यहाँ मसबूक के मसाइल शुरू भी किए थे बयान करने लेकिन फिर बात कहीं से कहीं कहीं से कहीं जो है वो जा पड़ी तो बहरहाल वो पूरा नहीं हुआ तो आज मैंने देखा कि असर की नमाज में वो आपके यहाँ है तो मैंने सोचा था कि वो होंगे तो मैं मसबूक के बयान मसले बयान करूंगा इसीलिए मैं बिल्कुल देर से पहुंचा मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं जल्दी आ जाऊं वो बाद में आए और फिर वो ना हो तो बहरहाल मसबूक के मसाइल आपको बयान करता हूं फेसबुक के तो आप जानते हैं है? फेसबुक के मसाइल आप बताए मसबूक के मसाइल जो हैं वो मैं आपको बताता हूं मसबूक मसबूक की पहले तारीफ समझो मसबूक किसे कहते हैं इमाम साहिब ने जमात से नमाज शुरू की इमाम है और मुख्तदी है जमात से नमाज हो रही है इमाम साहिब नमाज पढ़ा रहे हैं अब जो भी मुख्तदी चाहे दो रकत वाली नमाज है चाहे तीन रकत वाली नमाज है चाहे चार रकत वाली नमाज है एक रकात या उससे जायद उसने मिस कर दी इमाम साहिब के साथ वो शरीक हुआ कब एक रकत के बाद तो ऐसे मुख्तरी को ऐसे नमाजी को क्या कहा जाता है मसबूक कहा जाता है मसबूक का माना होता है पीछे रह जाने वाला मसबूक का माना होता है पीछे रह जाने वाला तो ये मुसली ये नमाजी इमाम साहिब से क्या रह गया पीछे रह गया तो अब ये अपनी नमाज को कैसी पूरी करेगा और देखिए बात भी ऐसी है हमारे व सुलह हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद साहिब खानपुरी दामद बरक़ात आलिया दार जामिया डाभेल जो है हमारा वहाँ के सबक सदर मुफ्ती और सबक हदीस अल्लाह ताला उनका साया हम पर तादिर वाफियत कायम रखे तो हजरत से एक बयान में मैंने सुना हज़रत ने फरमाया मफहूम यह है कि हम लोग वज़ू अज़ान इकामत नमाज कुरान करीम की तिलावत कलीमे का तलफ दुआ और अलम तरह तक याद की हुई ज़ुबानी सूरतें या वुहा तक याद की हुई सूरतें हम वैसे ही पढ़ते रहते हैं जैसे हमने बचपन में मकतब में सीखा था और अगली बात सुनो हज़रत ने आगे फरमाया कि उसमें बहुत से सेलमा का बहुत से मुफ्तियाने, किराम का भी यह हाल है ठीक है कुरान तो उनका सही हो जाएगा वो हाफिज़ क़ुरान हो तो लेकिन फरमाया कि अज़ान का मसला इकामत का मसला वजू का मसला और नमाज का मसला आलिम बन गए उससे आगे की सनद भी जो है वो ले ली है लेकिन नमाज वैसी ही पढ़ते रहते हैं जैसी बचपन में मकतब में उस्ताद जी से सीखी थी हजरत की जब ये बात मैंने सुनी तो सबसे पहले तो मैंने अपने वजू पे गौर किया अपनी नमाज पे गौर किया अपनी अजान और इकामत पे गौर किया तो वाक़ता हजरत की बात को सौ फीसद दुरुस्त पाया और फिर दूसरे मा को देखने का मौका मिला तो वहां भी मैंने देखा कि यकीन कुछ न कुछ कोता वहां भी पाई जाती है कि वही जो सीखा हुआ है वैसे ही करते जो हैं वो चले आ रहे हैं और उसका नुकसान क्या होता है बाज मरतबा अवाम उलमा को देखती है कि ये नमाज में फला अमल किस तरह कर रहे हैं ये अजान किस तरह पढ़ रहे हैं ये इकामत किस तरह पढ़ रहे हैं तो वो अवाम उसका फॉलो करते हैं और बात ये होती है कि उनकी हामत सही नहीं मौली साहिब की हामत सही नहीं और ऐसा मैंने खुद अपनी मस्जिद में भी देखा आलिम दीन है इकामत सही नहीं है और एक उम्र बीत चुकी है ये मैं इसलिए नहीं कह रहा अल्लाह के घर में बैठा हूं रोजे के साथ कि तानो तशनी करना आपको बताना है कि तवज्जो देने की जरूरत सबको आवाम को भी और खवास को भी कि वो सिलसिला चलता रहता है चलता रहता है इसीलिए डॉक्टर अब्दुल अब्दुल्ह आरिफी साहब रहमत आलियाल्ला मरहूम को गरी के रहमत करे फरमाते थे कि अपनी मालूम और अपने मामूलात क्या फरमाया दो चीजें एक मालूमत के जो हम जानते हैं दिन की बातें एक मामूलात के जो हम अमल कर रहे हैं हमारा मामूल है फरमाया जानने वालों से दोनों की तसीह कराओ दोनों की जानने वालों से तो आपको पता चल जाएगा साहब के राम के हालात में हमने पढ़ा ना वो तो वजू एक दूसरे को बताते थे कि भाई मेरा वजू देख लीजिए कि सही है या नहीं तो मैं आपको इकामत आप गौर करना बहुत सी जगह पर इकामत जो है वो सही नहीं होती और उलमा तो वो अरबी कवायद की रोशनी में बात गलती कर जाते हैं इकामत का तरीका मैं आपको बताऊं और कुछ नहीं तो आज की मजलिस में इकामत का तरीका सीख लो कि इंशाल्लाह आज के बाद हम इकामत सही पढ़ेंगे हैं जिस तरीके से पढ़नी है तो सुनो अल्लाह अकबर चार मरतबा एक ही सांस में कहना है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बाज़ लोग कैसे कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर रुक जाते हैं सांस तोड़ दिया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुन्नत के खिलाफ क्यों ये अजान पे कयास किया किसपे कयास किया अजान पे कयास किया कि अजान के अंदर पहले दो कली में एक सांस में कहे और यहाँ पे इकामत उन्होंने उसी तरीक पर जो है वो कही तो ये गलत है सुन्नत के खिलाफ है और ऊपर जज्म आएगा याद रखियो रा पर जज्म ही पढ़ना है सुकून जिसे आजकल कहते हैं चूके एक साहिब मुझे कहने लगे कि आपड़े तो मैं आपके पढ़ेला में मकतब तो आपने तो जबर जेर पेश उल्टा पेश है तनवीन ने जजम शिखा तो मारो पेलो मदरसे आए वो मैंने कीधु जजम देखे ना पप्पा सुकून तो मैंने कह के, के आ हूं तो मैं भाई भाई बात ये कि जिंदगी में सुकून नहीं मिले तो कम अज कम हिमत सुकून रख अब जिंदगी में सुकून ही नहीं है उसमें सुकून तो चल सुकून यार उस्ताद को भी उतना सुकून है और तुमको भी सुकून वरना जिंदगी में सुकून कहाँ है तो बहरहाल हाल अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर हाँ राके ऊपर जज्म सुकून आगे अशद्ला अशद्ला दोनों कली में एक ही सांस में ये तो लोग आमतौर पे बराबर कहते हैं अल्लाह अकबर में वो गलती के चार कली में दो सांस में वो सुन्नत के खिलाफ इसको तो लोग बराबर कहते हैं तीसरा अशद मोहम्मद रसूल इसमें लोग गलती करते हैं कलीमे पे कयास करते हैं कलीमा जब हम पढ़ते हैं तो ला इल्लल्लाह मोहम मदुर दाल पे क्या आया पेश है ना दो पेश है मोहम्म मदुर तनवीन जिसे बोलते हैं तो ला इला मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकिन यहां पर दो जबर आएंगे समझ आया न पेश नहीं तो मुहम्मदर रसूलुल्लाह रसूल्ला अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो ये याद रखिए उसके बाद इसमें ओलमा गलती करते अवाम नहीं क्यों अरबी कायदे के एतबार से अरबी ग्रामर के एतबार से सही है लेकिन सुन्नत के खिलाफ है याद रखियो कि हुजूर से जो काम जिस तरह मरवी हो और अरबी कवायद के एतबार से दूसरी तरह पढ़ना कायदे के एतबार से सही हो फिर भी हम वो अमल वैसे ही करेंगे जो हुजूर से मरवी जो असलाब से चला आ रहा है उसी तरह जो है वो करना है तो ताकि अरबी ग्रामर के एतबार से, से बिल्कुल सही लेकिन हुजूर के जमाने से आज तक और कयामत तक ऐसा ही रहना चाहिए और अब तक रहा है कि सुनते मुतवार है के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर बाद के दौर में भी इकामत में इस कलीमे को यूं कहा जाता रहा हयाह समझ आया हाँ तो ये एक ही सांस में और तो नहीं कहना है एक बात और यहाँ समझो आपने पुराने दौर में देखा होगा के और किताब में भी जिक्र मिलता है कि सला पे वो तकबीर कहने वाला जो होता था मुकब्बिर तो वो क्या कहता था वो क्या करता था गर्दन को सीधी तरफ फेरता था घुमाता था हयाल सला हया अल फला हैया अल फला लेकिन अब आप देखेंगे बाज लोग क्या करते हैं नहीं घुमाते है सला अया अल फला हैया अल फला लेकिन अब रिवाज किसका आ गया इसका बाज लोग माइक में तकबीर पढ़ते हैं ना अजीजा मौसम चले जाओ हैं हाँ वो जो है वो माइक के अंदर जो है वो तकबीर पढ़ते हैं तो अब वो इसलिए अगर न भी फेरा तो कोई बात नहीं क्यों वो तो इसलिए इस तरफ फेरना है अजान गायबीन के लिए किताबों में लिखा है अजान जो जोर से पढ़ी जाती है और पहले माइक का सिस्टम नहीं था या जिस मस्जिद में माइक नहीं था तो अजान पढ़ने वाला कहाँ चढ़ता था मीनारे के ऊपर चढ़ता था क्यों बुलंदी से आवाज दूर तक पहुंचती है इसीलिए हुजूर ने जब अपना पहला पैगाम पहुंचाया तो कहाँ चढ़े थे कोहे सफा पे चढ़े थे हाँ सफा के ऊपर दूसरा मकसद भी था कि बताना था कि मैं यूं कहूं कि पीछे गनीम का लश्कर है दुश्मन का लश्कर है तो तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे तो कहा कि हाँ मानेंगे तो इसमें नुकता यह था कि बात की जिंदगी आखिरत की तुम नहीं देख रहे हो न देखता है तो मैं यूं कहूं नबी ये बताना चाहते थे कि पीछे जहन्नम है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जैसे यहां मेरी बात की तस्दीक करते हो तो वो बात की भी तस्दीक करो और हमारे हजरत मान अबरार अहमद साहिब दुल्ही रहत फरमाते थे कोहे सफा का इंतखाब इसलिए किया कि दावत भी बिल्कुल साफ थी तो इसलिए इंतख्या किसका हुआ कोहे सफा का खैर तो मुआजिन वो चढ़ता था ऊपर इसलिए कि गाइबीन को जो दूर है मस्जिद में बुलाना था और मस्जिद के अंदर जो लोग हाजिर हो तो इकामत में जो हाजिरीन हैं उनको बुलाना है याद रखो ये उलमा ने लिखा है कि अज़ान गायबीन के लिए है और इकामत हाजिरीन के लिए है इसलिए अब अब अजीज़ा मौसम में देखिए दो तीन सब भी पूरी नहीं होती मुसल्ली इतने हैं कि आराम से आवाज़ पहुंच जाएगी लेकिन आजकल लोगों को इसकी एलर्जी है है? हाँ इसकी एलर्जी है हर चीज के अंदर जो है वो माइक 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 इंडिया में जाओ तो बाइक 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 है और अब यूके में देखो माइक 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 हर छोटा अमल करना होगा उसमें माइक चाहिए भाई दीन की बात हो रही है दावत जो है बयान हो रहा है वाज हो रहा है तालीम हो रही है ठीक है घरों में औरतें भी सुनेंगी मर्द भी सुनेंगे हैं अब इसकी क्या जरूरत है इकामत की अब वो जो है वो भी माइक के ऊपर जो है वो जाएगा वो भी माइक के ऊपर जोहर में दो सफे मस्जिद में भी बताया था तीन चार साल पहले मैंने कहा तीन चार सफे और आप माइक देते मस्जिद मैं? मैं शुरू -शुरू में, जब मेरी अपनी में आया, आपकी भी वही मस्जिद है।, है, है तो बहरहाल तो मैंने सुन लिया मैं जा रहा था तो दो आदमी बात कर रहे थे और उस वक्त तो जवानी भी थी पता नहीं मैं तो अपने को बुढ़ा नहीं कहूंगा लेकिन अगर आप समझो तो कोई बात नहीं है? तो बारह दो आदमी बात कर रहे थे खाली साहब ठीक है मौल साहब ने एम के, के नहीं आप मौल साहब ना घर नु महिक बो जोरदार ने हे एट ऊँचू है आ महिक लगे तो कान में लागे हाँ उसकी बात सही भी है उसने गलत नहीं कहा है आदमी जो है वसी उस, सौत हो और बुलंद जो है आवाज वाला हो उसको माइक दे दिया जाए तो वो तो फिर लगेगा लोगों को कि यही माइक पावरफुल है हाँ वो एक शायर है पाकिस्तान के अंदर अनवर मसूद खालिद साहब अगर आप जानते हो मजाह या शायर वो कहने लगा कि वैसे ही बीवी जो है वो मर्द के मुकाबले में पावरफुल होती है, है? मर्द पर गालिब आती है कहा कि अब मेरी तो किस्मत घर वालों ने अरेंज मैरिज थी तो जिसके साथ मेरा निकाह बीवी का नाम कुदरत और कुदरत का माना ही पावरफुल है तो कहा कि वैसे ही पावरफुल और ऊपर से कुदरत तो करेला नीम चढ़ा है तो अब यहाँ माइक क्या है वही पावरफुल और फिर ये माइक लोगों को कान में लगता है तो मैंने उनको कहा मैंने कहा ये क्यों क्यों चालू करते हो दो सफ है जोहर की नमाज के अंदर असर की नमाज के अंदर आवाज पहुंच जाती है खाम खा जो है माइक का इस्तेमाल एक रसम हो गया एक फैशन हो गया अब इकामत के अंदर क्या जरूरत है हाँ अगर कोई आदमी इकामत पढ़ने वाला ऐसा है कि जिसकी आवाज बहुत पस्त हो नीची हो आवाज तो फिर चाहिए कि भाई वहाँ आवाज जो है नहीं जाएगी लेकिन माशाला ऐसी आवाज है और दो तीन सफ है लोग बैठे हैं आराम से आवाज़ पहुंच जाती है खामखा जो है वो माइक का मसला जो है वो लगा रखा है खैर तो ये फुका ने लिखा है मेरी बात नहीं कि अगर आवाज पहुंच जाती हो तो खामखवा इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नमाज को मशीनरी से जितना पाक रख सकते हो पाक रखो असल चीज पे रखो आज भी मरकज निजामुद्दीन पे इसका इस्तेमाल नहीं होता है पूछो अकबर भाई वगैरह से वहां क्या होते है मोकबर होते हैं और शुरू में जब ये निकला अब तो लगाना पड़ता है मैं भी लगाता हूँ तो इसके तो पहले मसला था कि इस पे नमाज होती है कि नहीं होती पूछो मौलाना से किराम था कि इस पर नमाज होती की नहीं होती की असल इमाम की आवाज है कि नहीं है खैर आ आलिए बीच में वैसे ही बात आ गई तो मैं समझा रहा था हयाल लैया अब माइक है तो अब आवाज घुमाने की क्या जरूरत है वो तो आवाज वो वैसे ही जो है वो पहुंच रही है दोनों तरफ हयाल लल फलाहयाल अल तो वरना घुमाना अच्छा अगर किसी ने नहीं भी घुमाया तो ये मुस्तहब है या बाजों ने आदाब में से कहा है बाजों ने मुस्तह कहा है तो इसमें कोई सुन्नत की खिलाफ वर्जी इसमें नहीं होती गर्दन को दाएं बाएं जो है वो फेरने में उसके बाद क्या है हयाल सलाती हयाल सला गलत हयाल फलाही हियाल हयाल फलाह गलत तो क्या कहना है हयाल सलाह हयाल सला एक सांस में हयाल फलाह हयाल फलाह एक ही सांस में और उसके बाद फिर दो सांस में कदका सलाह रुक जाओ सांस तोड़ दो बिल्कुल और नए सांस से फिर दूसरा कदका मतिस सलाह अब इसमें भी लोग दो गलती करते हैं बाज लोग एक ही सांस में उसको भी पीछे से एक ही सांस में चले आ रहे हैं ना तो इसको भी एक ही सांस में और बाज लोग इसमें भी तापे पेश पड़ते हैं कदका मतिस सलाह तू कतका मतिस सलाह ये गलत है सुन्नत के खिलाफ है उसके बाद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर यहाँ फिर रुक जाना है लेकिन बाज लोग अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इला एक ही सांस में तो यहाँ रुकेंगे और ला फिर अलग सांस में इसलिए एक बात तो ये याद रखो हर कलीमा इकामत का अलग अलग सांस में कहना है समझ आया ना कि अलग सांस एक ही सांस में जो है वो कई कलीमा नहीं कह देंगे तो ये आम गलती है और बड़े बड़े लोग जो है वो करते हैं हमारे यहाँ अब भी होती है अब भी होती है हमारे यहाँ तो बहरहाल बोलते रहते हैं कहते रहते हैं तोफीक देने वाला जो है वो अल्लाह है और अभी बयान आगे जारी रखना है कि नहीं इजाजत देने वाला मौली अब्दुल्ला है हैं तो भाई क्या करना है कितने बजे है आपका नमाज का मसला है तो वही पूछ रहा हूँ कि भाई कहाँ तक है तो बताओ फिर मैं वहां तक खींचू अभी है टाइम चले बहरहाल अल्लाह तला सबसे पहले मैं अमल का मोहताज हूँ मुझे अमल की तौफीक दे और उसके बाद हम तमाम को जो है वो अमल की तौफीक नसीब फरमाए चले मसबूक के नवा मसाइल जो है सुन ले और सीखने जैसे है इसमें भी जो है वो ये ये होता है इनशाला अब जैसे आपके यहाँ सालाना हुफाज आते हैं तो ये सालाना मौलवी आपके यहाँ आता है है तो अब जो बाते बाकी बातें बाकी रहेगी फिर मेरी हाजिरी होगी इनशाला आइंदा साहब तो हम नमाज से शुरू से शुरू करेंगे तकबीर तहरीमा से अल्लाह अकबर से वाकईतन मैंने देखा जब हजरत की बात सुनी ना मुफ्ती अहमद साहब की तब मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ी बात कह दी हजरत ने और मैंने सबसे पहले अपने ऊपर गौर किया कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूं और फिर मैंने दूसरों को देखा इस नीयत से नहीं कि उनकी गलती निकालना है या उन पे ऐतराज करना है बल्कि इसलिए कि भाई इसलाह हो उनको भी जो है वो पता चले तो नमाज में भी आप देखना हम वैसी नमाज पढ़ते हैं और उलमा भी आपको सही कह रहा हूं कि उलमा भी उसमें सुन्नत के खिलाफ सजदा होता है सुन्नत के खिलाफ जो है और चीजें उसमें जो है वो हो रही होती है, वही। है क्यों वही कि आप है कि भाई बचपन नहीं तो पचपन में भी पढ़ेली आदत नहीं जाए यानी बचपन से पचपन का हो गया फिर भी नहीं जाती है अकबर भाई आप हूं है खोड़ जाए खापड़ जाए पढ़ेली आदत कोई दड़े नहीं जाए हाँ तो क्या वो खोड़ चले जाते हैं खापड़ चले जाते हैं पढ़े आदत नहीं जाती इसीलिए फारसियान को बिचारे को कहना पड़ा कि जबल गर्दत जिबिलत न गर्दत कि अगर कोई आपसे यूं कहे कि पहाड़ अपनी जगह से हिमालय हट गया है नूरानी भाई तो मान लो कि हिमालय पहाड़ हट गया होगा लेकिन कोई ये कहे कि मौली अब्दुल सलाम ने हेली आदत सुधरी गई तो ना मानता नहीं यार मान लीजिए है तो बहरहाल क्या फलह की आदत सुधरी नहीं सुधार लेना चाहिए भाई हैं हम सब मोहताज है मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब नामद बरकाल शायद मौलाना अब्दुल्ला साहिब भी थे उसमें मुफ्ती अब्दुल रहमान उस थे उस वक्त तो वो ग्रीन स्ट्रीट के अंदर एक मदरसा चलता है पुलिस स्टेशन के सामने वो तो वहाँ के तलबा हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाए थे अपनी मस्जिद में वहाँ तो हजरत ने मिश्त शरीफ की पहली या आखिरी हदीस मुफ्ती तकी साहब ने पढ़ाई थी तो बैठने के साथ एक बात जो कही तो मैं हैरान रह गया फरमाया है कि मैं भी अभी तालिब इल्म हूं इतना बड़ा आदमी जिसे शेखुल इस्लाम का लकब दिया गया वो क्या कह रहा है कि मैं भी क्या हूं तालिब इल्म हूँ इसलिए हर आदमी जो है वो तालिब इल्म है, है हाँ ये तो वैसे हदीस नहीं है कि उतलुबुल इल्म के इल्म जो है वो तलब करो हासिल करो गहवारे से लेकर कहां तक लहद तक कब्र तक हदीस तो नहीं है लेकिन मफहूम सही है जिंदगी भर जो है आदमी इल्म का मोहताज है इसलिए इसीलिए शाह कश्मीरी रहत फरमाते थे कि भाई तुम तो अपने आप को अब फारिग होंगे कहोगे लेकिन मैं तो तुम्हें जुहालीन कहूंगा इसलिए कि जितना इल्म बढ़ता गया आदमी आलिम नहीं बढ़ा उसकी जहालत का एतराफ होता गया कि हम जाहिल थे इससे पहले जानते नहीं थे तो क्या हुए जाहिल ही हुए ना कि भाई हमें मालूम नहीं था और एक चीज का इल्म हुआ तो इसका तो मतलब यह हुआ कि हम पे हमारी जहालत खुली लेकिन हम अपने दिल को समझाने के लिए कहते कि मैं आलिम मैंने एक नई बात, बात जानी लेकिन बड़े कहते थे कि ये तो जहालत का एतराफ है कि तुम जाहिल थे इससे और अभी जो है वो तुम्हें पता चला है खैर तो इसलिए आज मसबूक के मसले सीखे मसबूक आदमी सबसे पहले आकर अल्लाह अकबर जो उसको जो कहना है वो इतनी आवाज में कहना है उसे कि खुद सुने समझ आया ये खुद सुनना आखिरी दर्जा है कम अज कम वरना इसमें तस्वर से काम नहीं चलेगा और इमाम साहिब के साथ भी हम अल्लाह अकबर कहेंगे शुरू में उसके लिए भी ये मसला है दोनों के लिए मसबूक के लिए भी और उसके लिए भी अल्लाह अकबर वरना हमारे यहाँ उल्टी गंगा है हम हाथ उठाने को जरूरी समझते हैं और जोर से अल्लाह अकबर कहने को यूं समझते हैं कर लिया तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं आप देखेंगे बाज लोग तो अल्लाह अकबर कॉल बांध लिया तोड़ के फिर कॉल बांधते हैं क्यों देखे अंगूठो कान हाथे टच नहीं थे लोग है देखे अंगूठा कान की लव के साथ जो है वो भी टच नहीं हुआ है हालांकि किसी हदीस में आया नहीं है कि अंगूठे को कान की लव से क्या करो टच करो किसी रिवायत में नहीं हाँ ये रिवायत में आया है कि ये जो कानों की लव कहा जाता है उसके महाज में हुजूर हाथ लाते थे तो ये हाथों की चार उंगलियों के सिरे ऊपर के कानों तक होते थे और अंगूठे के सिरे कहां तक होते थे कानों के लव तक ये रिवायत में है लेकिन टच करने का जिक्र नहीं है। ये ओलामा ने क्यों कहा करे तो भी कोई बात नहीं इसलिए बचपन से सीखा है जैसे अभी मैंने बताया ना मैंने देखा है कि कॉल बांधा फिट हो गया क्यों टच नहीं थी हाँ तो इसलिए वो तो बहरहाल कोई बात नहीं था कि नमाज उसकी शांति से सुकून से जो है वो पूरी हो तो याद रखो हाथ उठाना तो सुन्नत है और आज उम्मत रफे यदेन पे ही झगड़ रही फर्ज के ठिकाने नहीं और सुन्नत पे झगड़ रही कि रफे यदेन करने का कि नहीं करने का मैंने कहा जहां रफे यदेन करने का वहां तो भिकी बिल्ली बने हुए और जहां रफे यदेन में झगड़ा नहीं करने का वहां झगड़ रहे समझ जाओ मैंने क्या कहा जहां रफे यदेन की जरूरत है वहां सदे में चले जाते रुकू में चले जाते हैं। खाली साहब समझे ना नहीं समझे तो मौली अब्दुल्ला अब समझ लीजिए तो बहरहाल क्या है दिन में झगड़ रहे हैं भाई ये सुन्नत है ठीक है सुन्नत को मामूली नहीं समझेंगे उसको करना है सुन्नत को जरूर करना है लेकिन झगड़ना नहीं है तो बहरहाल अल्लाह अकबर याद रखो ये तकबीर तहरीमा फर्ज है और अगर हमने जैसे हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं उस तरह जहन में दिमाग में सोच लिया और सिर्फ हमने ये सोचा कि हमने तो कानों की लव से अंगूठे लगाए अब हमारी नमाज शुरू हो गई नहीं हुई आपकी नमाज ही नहीं हुई अगर अल्लाह अकबर जोर से नहीं कहा और कानों तक आवाज नहीं पहुंची हमारी नमाज नहीं हुई चाहे हमने कानों की लव से अंगूठे लगाए हो ये तो सुन्नत अदा हुई ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि तकबीर तहरीमा से कार स्टार्ट होगी ये तो स्टार्ट ही नहीं हुई इसलिए याद रखियो इतनी जोर से कहना जरूरी है हाँ इतनी जोर से मत कहियो जितनी जोर से मौली इब्राहिम कहते हैं वो इमाम है भाई इमाम इमाम है मुख्तदी मुक्तदी है वरना सभी इमाम बन जाएंगे तो फिर इमाम बाड़ा बन जाएगा ये तो लड़ाई झगड़ा होगा तो समझ आया ना वो आहिस्ता कहना है अल्लाह जजाय खैराम अब्दुल लखनवी आल्मा को उन्होंने एक और निचला दर्जा हम जैसों के लिए रखा है कि भाई मसला मालूम नहीं था हाथ उठाने को ही क्या समझते थे कि यही जरूरी है और जुबान से अल्लाह अकबर अदा ही नहीं करते थे तो लखनवी ने आखिरी दर्जा अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनवर करे ये लिखा है अगर होठ ने हरकत की होगी नमाज हो गई मेरी तरफ देखे आवाज तो अभी नहीं आएगी देखे मेरी तरफ आवाज आई आए? नहीं आई मुझे भी नहीं आई <laughs> हाँ समझ आए ना मुझे भी जो है वो नहीं आई लेकिन मेरे होंठ आपने देखा कि क्या हुए हरकत हुए तो अला अब्दुल लखनवी ने कहा इतना भी हुआ है तो नमाज हो गई लेकिन कोशिश करो कि हरकत पे नहीं बरकत पे जाओ है कि आवाज किसके कान में पहुंचे अपने कान के अंदर जो है वो पहुंचे तभी जाके हमारी नमाज जो है सही होगी दूसरा मसला याद रखो जिसमें भी नमाज नहीं होगी रुकू में इमाम होता है तो एक तो दौड़ कर भाग कर नहीं आना है हुजूर ने मना फरमाया साफ हदीस तो इसलिए आहिस्ता से आओ रकात चली जाए तो कोई बात नहीं अब हम लोग रकात और रुकू पाने के लिए नमाज जय कर देते पूरी नमाज ही नहीं होती हमारी क्यों तकबीर तहरीमा खड़े होकर कहना फर्ज है एक तो आवाज आए ये फर्ज है दूसरा खड़े होकर कहना फर्ज है अब आदमी जो है मुसल्ली नमाजी मुख्तरी जो है इमाम को रुकू में देखता है भक्तावर अल्लाह अकबर कहाँ जाके अल्लाह अकबर कहता है रुकू में जाके कहता है उसने अल्लाह अकबर तो कहा और इतनी जोर से कहा कि खुद ने भी सुना लेकिन कहाँ कहा, रुकू में जाकर कहा नमाज नहीं हुई पूछ लेना किसी भी आलिम से मुफ्ती साहब से है खड़े होकर कहना ये भी जरूरी है इसलिए अल्लाह अकबर खड़े होकर जो है वो कहो खड़े होकर इसलिए ने यहाँ बाकायदा मसला लिखा है रुकू में इमाम को पाए तो दो तकबीर कहनी है पहली तकबीर खड़े होकर कहनी है और दूसरी तकबीर रुकू में जाकर कहनी है कि जो वो रुकू की तस्वीर है इसलिए रुकू जाने दो आइंदा ऐसा हो तो समझ आया के आराम से इत्मीनान के साथ क्या करो अल्लाह अकबर उसको खड़े खड़े जो है वो कहना है और उसके बाद रुकू है। अब आइए आगे मसला मसबूक तो यहां से हमने शुरू किया कि भाई अल्लाह अकबर हम कहेंगे अब मसबूक आदमी अल्लाह अकबर कहने के बाद चुप रहेगा इमाम के पीछे हनफी को कुछ नहीं पढ़ना है आपकी इसी मुसल्ले में तीन चार महीने पहले की बात मैं आया मौलाना इब्राहिम साहब नमाज पढ़ा रहे थे ईशा की नमाज थी मैं वो रूम में नमाज पढ़ रहा था मेरे पड़ोस में एक मुख्तदी था अपना मैं जानता हूँ उसको नाम से भी जानता हूँ तो अब मौलाना इब्राहिम तिलावत कर रहे हैं या यूहदीन आमन लातकुन कल्लिन आद मूसा फबर राहू मिम्मा कालू अब आगे जाके एक आयत आती है या यूहदीन आमन वकुल कवलन सदी वो उसको याद थी मैंने सोचा कि अपनी निकाह में इसने बराबर याद रख छोड़ी रखी है इसको निकाह बराबर याद है कि भाई खतीब साहब ने काजी साहब ने निकाह में आयत पढ़ते हैं तो वो मेरे पड़ोस में है उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया इसी म, इसी मुसल्ले की बात कर रहा ये तीन चार महीने पहले उसने मेरे ये पीछे मैंने कहा कि अल्लाह हो गए वाकिफ ही नहीं है।, है अपने मसलक से ये वाकिफ ही नहीं है कुरान ने क्या फरमाया वही कुरान फस्तमी वो लहू वंसितु लाल ये ये दलील है इमाम अबू हनीफा की की कि जब कुरान सुनाने से पढ़ाया जा रहा हो इतना जुमला बढ़ाएंगे जब कुरान करीम सुनाने की गर्ज से सुनाया जा रहा हो पढ़ा जा रहा हो तो फिर क्या करो फस्तम गौर से सुनो सिर्फ ये नहीं फरमाया कि सुनो फस्तम ये जानते हैं से गा के गौर से सुनो कान लगाकर जिसको फरमाते हैं के सुनो मैं मिसाल दूं कैसे कान लगाकर चले आपको टाइम बता देता हूं कितने हुए पचपन पे अपने इंशाल्लाह खत्म करते हैं है? फिर इंशाल्लाह बाद में कान लगाकर कैसे पहले इंडिया में पाकिस्तान में भी खाली साहब होता होगा कि अपने पड़ोस में लड़ाई थती से तो नीचे आप ने आपराई क्या लड़ी रेलाश अब पहले दीवार युफ भाई कैसी होती थी दोनों घर वालों ने एक ही दीवार और वो कच्ची होती थी હે કામડા હા એ બધું હું કેવાય તે લાગેલા ઉતા અબો દાદરતી લડતા છે બાજુમાં કે ઉપર આવાજ સાફ સુનાઈ દેતી પહોંચતી ભી અચ્છી તરફ હૈ સુ યાદ રખો જો હમ બોલતે ને ઉપર સાફ સુનાઈ દેતા સમજ જ રખા હે અલ્લાહ ને के जो बोलोगे ऊपर तो साफ ही सुनाई देता है और बहुत अच्छी तरह बगैर माइक के तरह सुनाई देता है याद रखिए इसको बगैर माइक के चाहे जितने भी करो मेरी तरफ देखो वो इधर देखो वो जाकर क्या करते थे हैं ये जितने बूढ़े हैं ये जानते हैं अल्लाह माफ करे हमने भी ऐसा किया है, है? माँ बाप बीतते थे कि जानिए हम नहीं ऊपर जेने है? तो अब जो है वो गए और एक एक कान लगाए तो इधर देखो अब नीचे जो पूछते थे था है हाँ तो अब है ना बुबकर भाई बराबर कान लगा के सुनते थे अब बीबीसी रिपोर्ट पूरी आकर देता था है? हाँ वो बीबीसी ऊपर से सीधी रिपोर्ट माँ बाप दोनों को देते थे अब माँ बाप बाज मतलब ऊपर नहीं जाते थे क्यों मोटा जाए खंखारो थी गई तो क्या नल्लाह नादार उतरे पूछी कर बहुत है तो बहरहाल ये क्या है वैसी जो है वो बात है तो मैं आपको ये कह रहा था कुरान ने फरमाया गौर से सुनो वो अंसितु और खामोश रहो तो अगर इमाम भी पढ़ रहा हो मौली इब्राहिम मैं भी पढ़ रहा हूँ मौली अब्दुल्ला साहिब पढ़ रहे हैं है? तो अगर हम तीनों इमाम में पढ़ रहे हैं आप कहेंगे आपका नाम क्यों नहीं लिया तो आप इमाम बन ना आपका भी नाम लूंगा तो बहरहाल क्या करो गौर से सुनो पढ़ना नहीं है चाहे हमें कोई भी आयत जो है वो आती हो इवन सुरहा भी नहीं पढ़ना इमाम के पीछे सुरे फातिया सबको आती है इसलिए इमाम के पीछे क्या करो खामोश रहो तो मुक्तदी कुछ नहीं करेगा अब ये चीज आप समझ जाओ कायदा तो इनशाला आप समझ जाएंगे अब जो रकात गई है ना उसको दो तरह शुमार करना है अब मैं आपको मिसाल दू के ये असर की आज मिसाल ले लो किसी की तीन रकत गई एक रकात इमाम साहब के साथ पाई चौथी रकत में जो मुक्तदी शामिल होगा वो मसबूक है अल्लाह अकबर के बाद वो क्या हो जाएगा क्वाइट वो चुप रह जाएगा अब ये जो रकात है इमाम की नमाज असल है और मुख्त की ताबे हैं हैं मुख्तदी की क्या है मुख्तदी वो इमाम के ताबे हैं तो मुख्तदी की नमाज ये इंजिन है और हम सब डिब्बे हैं इसलिए आपको बुरा नहीं लगेगा चूंकि मैं भी आ गया है कि सब जो है वो डिब्बे हैं तो अब इस रकात को शरीयत कहती है इमाम की नमाज असल है तो इसको हम चौथी गिनेंगे इसको क्या गिनेंगे चौथी ही रकात जो है वो गिनेंगे और इमाम साहिब जब सलाम फेर देंगे और ये आदमी खड़ा होगा तो अदद के एतबार से इसकी ये दूसरी रकत है अब जो खड़ा हुआ वो कौन सी रकत है चौथी उसकी हो गई वो इमाम इसलिए इसमें अब वो सुरे फातिहा जो है वो पढ़ना चाहे तो पढ़े और ये सूरत नहीं पढ़ेगा समझ आया कि नहीं सूरत नहीं पढ़ेगा वो क्यों इमाम के साथ जैसी अदा करनी थी वैसी उसकी एक अदा हो गई अब ये खड़ा हुआ सलाम के बाद अब इसको दो तरह काउंटिंग करना है चार रकात उसको पढ़नी है उसने कितनी पढ़ ली अब आप बोलना ताकि आप समझे एक पढ़ ली अब ये जो आप पढ़ रहे हैं तादाद के एतबार से रकात की गिनती के एतबार से कौन सी है दूसरी कौन सी है दूसरी जजाकल्ला रकात की गिनती के एतबार से दूसरी लेकिन आपको दूसरी काउंटिंग करना है तिरात के एतबार से अब तिरात के एतबार से आ, वो मसबूक जो है वो बिगिनिंग से शुरू करेगा स्टार्टिंग से तो किरात के एतबार से पहली है जल्दी बोलो रकत के एतबार से कौन सी दूसरी, दूसरी।, दूसरी। और किरात के से पहली पहली तो पहली है तो सब कुछ अब आप क्या करो शुरू में सना पढ़ो अब सना पढ़ना है पहली में इमाम साहिब क्या करते सना पढ़ते हैं ना और हम अकेले पढ़े तो अभी तो अब सना सबसे पहले सना पढ़ना है और अवजुबिल्ला भी पढ़ना है बिस्मिल्ला भी जो है वो पढ़ना है क्यों उज और बसमला किरात के ताबे हैं अब ये मुख्तदी किरात करेगा इमाम के साथ हम शुरू से ज्वाइंट हो तो हम सिर्फ सना पढ़ेंगे अवज़बिल्ला बिस्मिल्ला नहीं पढ़ेंगे क्यों इसलिए कि हम किरात भी नहीं करेंगे हम इमाम के पीछे सुरह फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे इसलिए अव और बिस्मिल्ला भी नहीं वो तो किरात के ताबे हैं अवजिल्ला बिमिल्ला लेकिन यहाँ इसलिए हम वहां सिर्फ शना पढ़ के चुप हो जाएंगे और यहां हमको सना भी पढ़ना है और अब जुबिल्ला बिस्मिल्ला भी क्योंकि किरात कर रहे हैं अब चलो किरात आपने की वल्द दो ऑप्शन है इन्ना आतेना ऐसी कोई सूरत से पढ़ी है तो बिस्मिल्ला पढ़ो ये मुस्तहब है सुन्नत नहीं है बिल्तफाक सुन्नत नहीं है सब फुकाहा के नजदीक लेकिन मुस्तहब है और बास फुकाहा कहते हैं कि मुस्तहब भी नहीं है तो न पढ़े तो भी चले समझ आया सुरे फातिहा के बाद अब दो ऑप्शन है अगर हम बिगिनिंग से कोई सूरत जैसे सुरह इखलास कौसर सुर आसर पढ़ेंगे तो एक कॉल ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है और सबको आयतुल कुर्सी याद होती है ला इलाहा किसी ने पढ़ा तो अब नहीं पढ़ना है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह दरमियान सूरत से समझ आया दो का फर्क तो इसलिए वो नहीं पढ़ना है खैर अब आपकी एक रकात हो गई अब जल्दी से बोलो अब आपको सजदे के बाद बैठना है कि खड़ा होना है बैठना है क्योंकि गिनती के एतबार से कौन सी है दूसरी ये दूसरी, दूसरी है इसलिए बैठ जाओ अब खड़े हो अब ये गिनती के एतबार से कौन सी दूसरी तीसरी दूसरी और किराए के एतबार से दूसरी, दूसरी, दूसरी तो अब शुरू में क्या पढ़ना है बिस्मिल्लामान रहीम फिर याद रखिए ये सुन्नत है हर मरतबा शुर फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है ये सुन्नत है हर रकत में अब आप सुर फातिहा पढ़ो वाल आमीन अब किरात करनी है कि नहीं करनी आएगी मोलाना आप मत बोले आप तो आलिम है आप समझ जाएंगे ये अवाम को समझाना है किरात करनी के नहीं करनी नहीं नहीं। करनी है जजाक कर अल्लाह आप समझ गए क्यों ये किरात के एतबार से आपकी कौन सी है दूसरी रकत है इसलिए इसमें भी जो है वो किरात करो बिस्मिल्लाह का वही मसला सूरत शुरू से कर रहे हो तो बिस्मिल्ला मुस्तवरना नहीं और अगर शुरू से कर रहे हो न पढ़े तो भी सुन्नत नहीं इतना याद रखो अब आप रुकू करेंगे रुकू के बाद सज्दा सज्दे के बाद क्या करेंगे बैठेंगे खड़े होंगे जाएंगे खड़े हो जाएंगे अब ये असल है आप समझे हो तो अब ये रकात गिनती के एतबार से चौथी चौथी और किरात के एतबार से तीसरी असर की नमाज में किरात हम शुरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाते हैं नहीं मिलाते इसलिए क्या करना है, है? सिर्फ शुरे फातिहा पढ़ना है समझ आया और फिर नमाज को पूरी जो है वो कर देना है आखिरी मसला सिर्फ मसबूक के एतबार से आपको जो है वो मैं बता दूं वो ये कि बाज मरतबा ये मसला लोगों को मालूम नहीं होता आमतौर पर कि मसबूक है रकात छुटी है मौना इब्राहिम साहब मान लो कि आज असर में दूसरी रकत में थे या चौथी रकत में हम में से कोई आया और हमने अल्लाह अकबर करके हम बैठ गए अभी हम मैंने और आपने पढ़ना शुरू किया अतियात लाही वो व ती बात और मौना इब्राहिम साहब ने कहा अल्लाह अकबर चूंकि उनका अत्यात हो गया हम जरा देर से आए अब हमें क्या करना है लोग खड़े हो जाते हैं मकरू है तहरीमी लिखा है फुका तनजीह भी नहीं ये है, तहरीमी है नमाज तो हो जाएगी मसबूक की चाहे पहला कादा हो चाहे आखिरी कादा हो इमाम के साथ मसबूक आके शामिल हो इमाम साहब खड़े हो जाए आपको खड़े नहीं होना है मुझे खड़े नहीं होना है हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे तहार पूरा पढ़ेंगे याद रखियो इसको पूरा पढ़ना है चाहे पहला कायदा हो दूसरा कायदा हो और फिर आप खड़े हो जाना है इसी तरह आप पहले से इमाम के साथ शामिल है पहली रकत से इमाम साहिब का तशाह पूरा हो गया पहला कायदा है तो हमें खड़े नहीं हो जाना है यहां भी कंपल्सरी इसमें इमाम का इतबा नहीं करेंगे जल्दी जल्दी क्या करना है उसको पूरा करना है एक और तशहुत का दूसरा मसला सुन लो अब हमारी रकत गई है एक या दो रकत इमाम साहिब आखिरी कायदे में है इमाम साहब तो तशाउद भी पढ़ेंगे दुरुद शरीफ भी पढ़ेंगे दुआ दुआफा दुरुद भी पढ़ेंगे अब ये जो मसबूक है उसको सिर्फ अतहियात पढ़ना है लेकिन हम लोग सब पढ़ लेते हैं भाई हम क्यों पढ़े हमारा कायद अखीरा है नहीं है कायद उला है और कायद उला में आदमी क्या पढ़ता है सिर्फ अतियात पढ़ता है हाँ अब मसला क्या आता है कि मौल साहब मौली इब्राहिम ने मौली अब्दुलसलम तो सलामत नहीं फेड़े तो आप तो जो तहिया तो जल्दी पूरी थे तो फुका ने लिखा कि इसी को दोहराते रहो अल्लाह मोहम्मद उसी को दोहराते रहो उसी को दोहराते रहो या फिर यूं करो स्लो मोशन में है? क्या करो धीरे दीर धीरे इमाम साहब तो पढ़ेंगे अत्यात व तयबा तो वसलाम अपने को कैसे पढ़ेगा या तो है आप कहेंगे मोल साहब आऊँ यार पाचा नल्ला बचपन में पहुंचा दी था है? तो खैर आपको ये नहीं तो कम अज़ कम ये कहते रहो बहरहाल और भी कुछ मसबूक के मसाइल है तो मैं भी मसबूक ही हूँ तो इनशाला फिर आपकी इक्तदा करेंगे तो आपको समझाएंगे जो कुछ कहा सुना गया अच्छा फिर भी एक बात और सुन लो आप कहेंगे मोल साहब अगर हमें बद्दू पड़ी गया तो तो सदैस वो करवानो की नहीं नमाजते कि नहीं हो गए हमने ये सही नहीं किया लेकिन हम इमाम के पीछे है इसलिए सदैस वो करने की ज़रूरत नहीं है सुबह अल्लाम देही सुबह ना भी हम दिखने शुरू अल्लांत फिर कौन है तो बोले हज़र इमाम साहिब का भी शुक्रिया माना अब्दुल्ला साहिब का खालिद भाई का आपने मुझे दावत दी और आप सब सामीन का भी क्या आपने मेरी टूटी फूटी गुफ्तगु अपने तो भाषा में बयान करे भाई हैं आपने जो है वो सुनी लेकिन आपको इनशाला समझ आ गया होगा तो आप सबका भी शुक्रिया और आज जो चंदा है ऐलान तो मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ इतना बता देता हूँ कि मैं भी यहाँ पढ़ा उसका फैज तराज का मुझे भी पहुँचा है हाँ, ये भी मसला है बिल्कुल और तो हजरत इमाम साहिब कह रहे हैं की भाई मसबूक इमाम साहिब ने सलाम फेर दिया और फिर वो खड़ा हुआ और कोई गलती ऐसी कर दी कि जिससे सहुआ वाजिब होता है तो उसको करना पड़ेगा इमाम के सलाम से पहले हमने कोई ऐसी गलती कर दी जिससे सहुआ वाजिब होता है, तो नहीं करना है इंजन डिब्बे को खींच लेता है।, है लेकिन सलाम के बाद और ये भी याद रखो हम लोग क्या समझ चलो आप जवाब दो आपका और इमाम का ताल्लुक कब खत्म होता है पहले सलाम के बाद के दूसरे सलाम के बाद दूसरे।, दूसरे हाँ दूसरे भी नहीं पहले और पहले में भी पूरा नहीं ये भी याद रखो मीम पे इमाम और मुख्तरी का ताल्लुक पहले पहला सलाम खाली साहब पूरा भी नहीं असलामेकम पहले सलाम पे इमाम का मुख्तरी का ताल्लुक खत्म नूनानी भाई क्या मतलब हम लोग क्या करते हैं इमाम साहब कादे में बैठे जल्दी जल्दी आते हैं कि यार नमाज अपने पाले असला अकबर जल्दी से वो क्या समझता है कि तो नमाज मिली गई अरे तेरे को नहीं मिली है इमाम तो दूसरे सलाम पे इमाम का और मुख्तरी का खत्म हो गया पहली मीम पे इसलिए कोई गलती करो तो फिर सद क्या है करना पड़ेगा खालिद भाई रिकॉर्ड ट्विटो नहीं आज दर एक बयान मारो वो कहता हो